नमस्कार दोस्तों मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एन क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का टी एम सॉल्व जो कि सेशन 2022-23 के लिए है यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में या अक्टूबर 2023 में होने वाला है दोनों के लिए ये टी एम बिल्कुल सेम रहता है तो बिल्कुल सेम टू तो सेम आपको एज़ इट इज़ बनाना है और कौन सा आंसर कैसे लिखना है किस तरीके से लिखना है ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता हूँ पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा इस टी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा अगर आपको कोई डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और मेरा फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल सकता है मिले मिल जाएगा तो वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टी जो होता है उसके ट्वेंटी मार्क्स आपके जुड़ते हैं एग्ज़ाम में तो ये टीएमए ज़रूर दें आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर वन में बोला आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट फोर्टी टू वर्ड्स टू वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसका हमने ए पार्ट कर रखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो इसका आंसर आपको दिख जाएगा यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है

द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन स्टेट स्टेट रिवेल्यू रिवेन्यू इज रियलाइज एट दैन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्चुअली डिलीवर्ड साइट टू एग्जाम्पल्स टू असरटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ रिवेन्यू रियलाइज फॉर अ ईयर ठीक है तो इसका आंसर आपको यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे आप आपको देखने को मिल रही होगी और टी एम ए जब आप बनाओगे तो ए फोर साइज की शीट आपको यूज करनी है और उसके ऊपर आपको अपना नाम यानी नेम मैंशन करना है अपना एनरोलमेंट नंबर यानी रोल नंबर हो गया ए यानी स्टडी सेंटर और सब्जेक्ट कोड विद सब्जेक्ट नेम ये आपको अपने टीएमए के टॉप पेज पे फ्रंट पेज पे आपको मेंशन करना है ठीक है फ्रंट पेज का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख के बना सकते हो ठीक है तो अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि तो आप आंसर को स्क्रीन शॉट लेके आराम से बना सकें ठीक तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड्स फोर्टी टू सिक्सटी वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलस ऑफ राधिका ट्रेडर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन जून थर्टी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी अ बैलेंस एज पर कैश बुक थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज टू फिफ्टी चार्जेज फॉर क्रेडिट कार्ड फी इज डेविडेड बाई बिच इज़ नॉट इन कैश बुक ठीक है तो यहाँ पे अब इसका आंसर आपको दिख जाएगा फोर्थ uh, बोल रखा है चेक फॉर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फोर आर डिपोजिटेड इन द बैंक नॉट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक देयर आर आल्सो डेबिट इन द पासबुक ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ठीक है तो यहाँ पे अब आपको इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा ये ऐसी टेबल आपको बनाना है जैसे आपको इसमें दिख रहा है ठीक है थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जूमआउट कर देता हूँ सॉरी ताकि आपको अच्छे से दिख सके टेबल और आप उसका आ, स्क्रीन आराम से मार सको ठीक है तो इस टाइप से आपका ये आंसर बनेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड अब देखो अब तक आपने जितने भी आंसर करे वो थे दो मार्क्स के अब यहाँ से आपके चार मार्क्स के आंसर स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका टीएमए जो होता है वो होता है ट्वेंटी मार्क्स का तो तीन क्वेश्चन आपके टू टू मार्क्स के हो गए अब बाकी के दो क्वेश्चन होते हैं फोर फोर मार्क्स के और एक आपका प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो होता है सिक्स मार्क्स का आ, तो यहाँ पे आप देखो इसका मैंने बी पार्ट कर रखा है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट वट शुड द अकाउंटेंट डू इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री ठीक है तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा इसका बिल्कुल जैसे जैसे आपको दे रखा है बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने शीट पे आ, आ, आंसर लिखने हैं जितना कम हो सके उतना आपको करेक्शन वर्क करना है अपनी शीट पे वरना उससे क्या होता है ना आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है और आपके मार्क्स भी थोड़ा टीचर कम दे देता है क्योंकि वो बेकार सा लगता है तो बेकार देखने में लगेगा तो मार्क्स तो काटेगा ही टीचर है ना तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा लिखना आप ठीक है क्योंकि ऑनलाइन सबमिट होना है तो जितना कम हो सके उतना कम एरर करना क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं आप आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स इसका ए पार्ट कर रखा है डिस्कस द टू मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेशन एक्सप्लेन देअर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स योर पेरेंट्स मेक सम सेविंग्स एवरी मंथ फ्रॉम देयर रेगुलर इनकम फॉर द नोन और अन नोन लिएबिलिटी टू मीट अवर इन फ्यूचर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पास्ट थ्री मंथ्स सेविंग विद रीजन एंड डिफ्रेंशिएट इफ दे आर रिजर्व और प्रोविजन्स ठीक है तो लास्ट थ्री मंथस की पूछी हुई थी जो भी है तो यहाँ पे पहले आपको मेंशन करी हुई है बिल्कुल जैसे जैसे दे रखा है वैसे, वैसे वैसे आपको लिख लेना है ठीक है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से वैसे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा ठीक है जैसे जैसे आपको दे रखा है बिल्कुल वैसे वैसे आपको लिखना है यहाँ पे आपको मेरिट्स देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ पर आपका टेबल स्टार्ट हो जाता है इस टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है जैसे जैसे लिखा हुआ है आप ऐसे लिख सकते हो डेट वगैरह अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट थ्री मंथ का ही होना चाहिए ठीक है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ दोबारा से ये हमारा कॉलेज फीस का हो जाता है स्कूल फीस वगैरह हो गया तो इसी के साथ ये वाला आंसर भी हमारा पूरा हो जाता है अब आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट बोय बेस्ड जो क्वेश्चन होता है छः मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसका हमने बी पार्ट कर रखा है डिस्कस द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑल्सो इंक्वायर विद दैम इफ दे हैव अ पार्टनरशिप डीड बिटवीन दैम एंड वट विल हैपन इन केस ऑफ एबसेंस ऑफ अ पार्टनर डीड ठीक है तो जैसे जैसे आंसर दे रखा बिल्कुल वैसे वैसे आपको लिख लेना है ठीक है अगर आपको ये इसका इमेज का प्रिंटआउट निकलवाना है प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग भी निकलवा सकते हो कोई प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो इमेज का धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सको ठीक है ये लास्ट आंसर है आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे किस तरीके से आपको लिखना है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और टीएमए पे सबमिट करने के लिए कोई फी वगैरह नहीं है और ऑनलाइन सबमिट होंगे सारे टी एम तो कोई बोले कि अगर कोई स्टडी सेंटर वाला आपके टीएम लेके आपसे पैसे मांगे तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ख़ुद भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल अपलोड कर सकते हो तो इसी के साथ सारे आंसर ख़त्म होते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी थैंक्स फॉर वॉचिंग अस Have a nice day. Stay tuned with Ajdu Center Delhi.